वुमेन्स डे के बारे में? सबसे पहली बात है, आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस बार का जो थीम था ब्रेकिंग द बायस रिगेनिंग योर वॉइस। आपको जैसे मालूम है कि चिनार कोर हर किसी सूरत हाल में कोशिश ये करता है कि जो कश्मीर की जनता है उसके अंदर औरतों को, वुमेन को, लड़कियों को एक एम्पावरमेंट का मौका मिले, ताकि ये जो हमारी सोसाइटी है यहाँ की वो अपनी जो अपना जो सही स्थान है वो पा सके। और आप सबको मालूम है कि जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी की, जो पूरे सोसाइटी को चलाती है। ये कुछ डिकेड से जो रोल यहाँ पे एक प्री एमिनेंट रोल था कश्मीरी औरतों का, वो पीछे चला गया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको एम्पावर करके आगे ले जाए। आज का जो इवेंट उसमें छोटे बच्चे से लेकर के, बच्ची से लेकर के सीनियर लीडरशिप तक कि हम एकम्प्लिश्ड वुमन को अपना स्टेज के ऊपर लेके आए और उन्होंने एक अपनी जर्नी बताई जो आपने रिकॉर्ड किया और आपके माध्यम से सभी कश्मीरी बच्चियों को जाएगी, ताकि वो अपना रास्ता बनाएं और कश्मीरी सोसाइटी के अंदर वापस अपना जो एक स्थान है उसको पा करके हम यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म पीस है, ड्यूरेबल पीस है, उसको पा सके। सर, कितना बड़ा रोल है इन वुमेन्स का जो हमारे यूथ बढ़ते हैं, कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 100% रोल वुमेन का है। सबसे पहले जो हमारे देश के दुश्मन थे उन्होंने औरतों को पीछे करा, जब एक बार औरतों को पीछे कर दिया तो उन्होंने अपना एक स्थान आगे पा लिया। उस स्थान को आगे पाने के बाद में उन्होंने यकीन कर दिया कि जो बच्चे हैं वो ड्रग के रास्ते, टेरर के रास्ते, टेररिज्म के रास्ते के ऊपर चलाना उनको आसान हो गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया और उनको एक घरों के अंदर जब बंद कर दिया औरतों को, तो इससे उनके जो चाल है उसके अंदर वो सफल होने लगे। मुझे लगता है कि जब एक बार इनके पास में वॉइस आने लगेगी, वापस वो अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, तो अपने